निकल मेरे घर से और भीषण दफा हो जाओ यहाँ से और निकलो तुम भी। जहांगीर साले सालिस मेरी बात सुनो, अभी वो घर में जहांगीर में निकालो इन्हें, दफा हो जाओ मेरे घर से। सालिस की बेइज्जती करता है और तुम चलो साथ निकलो। ये कौन? वफा। वफा उस्मान भाई की बेटी। ओ तो ये यहां क्या कर रही है? तुम तो अपनी अम्मी के साथ नहीं चली गई थी? उनकी डेथ हो गई है ना, तो उसके बाद ये घर वापस आ गई थी। बताया था मैंने आपको? हाँ बताया तो था। अगर तुम्हारे घर वालों को पता चल गया कि तुम यहाँ हो तो जानती हो क्या होगा? एक्चुअली ये घर तुम लोगों के लिए नो गो एरिया है। ये यहीं रहेगी। यहीं रहेगी मतलब? ये हमारी बहू है, सालिस से निकाह हो गया है इसका, तो अब ये यहीं रहेगी। मजाक कर रहे हो? तुम्हारी मां क्या कह रही है सालिस? तुमने निकाह किया इस लड़की से? मुझे मेरी बात का जवाब चाहिए। जी। इस तरह मुझसे पूछे बगैर, मेरी इजाजत के बगैर, मुझसे छुप के रातों रात। वो दरअसल हुआ ये, बच्चे एक दूसरे को पसंद करते थे, फरजाद ने देख लिया, फिर उस्मान भाई को पता चला तो वो इसकी जान के दुश्मन हो गए। हम बचाने के लिए गए तो तुमने ये सोचा कि तुम उस गद्दी मछली को उठा के मेरे घर में ले आओ। इस लड़की को जिसकी माँ के किरदार पे सवालिया निशान है, सौतेले बाप ने घर से निकाला और सगे ने हमारे सर मंड दिया। जहांगीर वो प्लॉट अभी भी हमारे पास ही। लानत भेजता हूं मैं उस प्लॉट पे। जानता हूं कि बहुत कीमत है उस प्लॉट की, लेकिन मुझसे और मेरे बेटे की इज्जत से ज्यादा कीमती नहीं है वो। तुम्हारी जरूरत कैसे हुई इनका निकाह करवाने की? मुझसे पूछा नहीं, मुझे फोन करना गवारा नहीं किया तुमने। आप नहीं मानते इसलिए नहीं बताया आपको, छोड़े अम्मी को। मैं ना मानता इसलिए तुमने और तुम्हारी माँ ने ये सोचा कि बाप को मक्खन में से बाल की तरह बाहर निकाल दिया जाए। आप बात को समझ नहीं रहे जहांगीर, हम जब वहाँ गए ना तो उस्मान भाई बहुत गुस्से में थे, इसकी जान लेने पर तुल गए थे। मैंने अपने बेटे की जान भी तो है, अम्मी का हाथ कैसे उठाया आपने? जान ले लूंगा मैं आपकी। मेरी जान लेगा तू? तू जान लेगा मेरी? मेरे टुकड़ों पे पलने वाला, मेरे तन पे पड़ा हुआ, मेरी जान लेगा? दफा हो जा मेरे घर से, निकल जा बाहर यहां से और जा अपने ननियाल के टुकड़ों पे पल, उनके टुकड़ों पे पल जिनकी जबान तेरे मुंह में है। निकल मेरे घर से और तुम चलो साथ निकलो। बाहर निकल, दिखाता है निकल जा, वरना तुम्हें भी तलाक देके इनके साथ भेज दूंगा। चलो लंच करने चलते हैं, मुझे भूख नहीं है। खा लो, तुमने नाश्ता भी सही से नहीं किया था। भूख नहीं थी। खुद को क्यों सजा दे रही हो? क्योंकि तुमने अपना गुनाह मेरे सर सौंप दिया।
सजा तो काटूंगी ना। तुम ये भी तो देखो ना कि अगर मैं निकाह ना करता तो मामू तुम्हें गोली मार देते या गला दबा देते तुम्हारा। तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं है? हो तो रहा हूँ शर्मिंदा, जब से निकाह हुआ शर्मिंदा ही हो रहा हूँ। अब क्या जान ले लूं अपनी? हाँ जान ले लो अपनी, जान ही तो ले लो अपनी। तुम जैसे बुजदिल मर्द जो हकीकत से नजरें चुरा के दूसरों के कंधे पे बंदूक रखते हैं, उन्हें अपनी जान ही तो ले लेनी चाहिए। ले क्यों नहीं लेते अपनी जान? मैंने भी तो अपनी मोहब्बत खोई है। तुम्हारी मोहब्बत की दास्तान से मेरा क्या लेना देना? तो तुम्हें किसने कहा था गाड़ी में बैठ के मूवी देखने के लिए चली जाओ? ना जाती ना तुम। मूवी देखने की ये सजा मिलती है? ये सजा मिलती है मूवी देखने की? ज्यादती मिटाने की कोशिश कर रहे हो? मूवी मैंने नहीं देखने जाना था। तुम्हारी जो महबूबा थी ना, मिनते कर रही थी मेरी कि मैं तुम लोगों के साथ जाऊं, और वो भी शायद इसीलिए ताकि अगर वो पकड़ी जाए तो इल्जाम मेरे सर पे आ जाए। मेरी माँ ने मुझे बताया था कि पुराने जमाने में जब गांव के लोग अपने जानवर, अपनी भैंसे भेड़े जो भी सारी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते थे ना, तो साथ एक गधा भी रख लेते थे ताकि जो भी बुराई आए उस गधे पे आए। तुम दोनों भी मुझे गधा बना के साथ ले गए। शुगर, चाय पी लो। अपने सर पे उंडेल लो, मैंने चाय नहीं पीनी। ठीक है ना पियो, मेरे तो सर में दर्द हो रही है, दर्द से फट रहा, मैं तो पीऊंगा। तुम बचपन से पिटते आ रहे हो? ऐसी तो कोई बात नहीं है। बाप ने घर से निकाल दिया आज, और देखो आराम से बैठ के चाय पी रहे हो, टीवी देख रहे हो। चाय गुजर कैसे रही है हलक से? कितनी दफा घर से निकाला है तुम्हें? बहुत लाडला बेटा हूं मैं, ये तो सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ मेरे साथ। चलो ठीक है, मान लिया कि मेरी वजह से हुआ, लेकिन अगर मैं निकाह ना करता तो तुम मार देते या तुम्हें या उसे। दोनों लड़कियों के बीच में पिस तो मैं ही गया ना। किसी ऐसी जगह क्यों नहीं चली जाती जहां मुझे तुम्हारी शक्ल ना देखनी पड़े? मेरे बिना तुम्हारे बारे में कुछ ऐसी तासुरात है। मेरा तो दिल चाह रहा है किसी ऐसी जगह पे चला जाऊं ना किसी की शक्ल भी ना देखूं मैं। जहन्नुम